ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे सांसद रामशंकर कठेरिया लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन के फायदे गिना रहे हैं। रामशंकर कठेरिया की क्लास में लोगों ने क्या क्या सीखा, कितना सीखा, इसकी पड़ताल फिर इंडिया 24/7 के रिपोर्टर अनुराग चड्ढा ने की। आगरा के सांसद रामशंकर कठेरिया से जिन लोगों ने सवाल पूछे थे नोटबंदी से संबंधित, वो लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपने सवाल पूछा था कि लिमिट बढ़ाने को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि अब लिमिट बढ़ जाएगी और नोटबंदी से पहले घर का कामकाज कैसे चलता था और नोटबंदी के बाद किस तरह की कठिनाई आपको हो रही है? नहीं, घर का कामकाज तो अच्छे से चल रहा है, बस ये हो गया कि हम कम में जीना सीख गए, ये चीज़ है। पहले था जब जरूरत है दौड़ कर ATM जाओ, पैसे निकालो, खर्च भी ज़्यादा होते थे, लेकिन अब है कि हम एक लिमिट में जीना सीख गए। मार्केट भी कम निकलते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी, इसलिए हमें तो कोई परेशानी नहीं लग रही। हमें लग रहा है बस हमारा देश आगे बढ़े, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा। अच्छा, बैंकों में पैसा मिल रहा है आपको? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, बैंक के जो मैनेजर्स हैं वो बदमाशी कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक इतना बड़ा डिसीजन है देश के लिए, ऐसे लोगों को तो या तो उन पर रोक लगनी चाहिए या उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए या उनको कुछ सजा होनी चाहिए। तो जी बिल्कुल सही बात कही आपने, और आप लगातार देख रहे हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास तो पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन जो लोग बड़े हैं, धनाढ्य लोग हैं, उनके पास लाखों करोड़ों की नकदी पकड़ी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज का सवाल आपने पूछा सांसद जी से अपने? मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो नोटबंदी के कारण जो समस्याएं हो रही नीचे लोगों को और बैंक में जो मैनेजर्स हैं, जनता का कहना है कि उनके पास पैसे हैं लेकिन वो दे नहीं रहे। मेरा मानना यह है कि ये ड्राइव बहुत अच्छी है नोटबंदी की, लेकिन एग्जीक्यूशन पॉइंट बहुत वीक है हमारा। इसमें अभी जो डेवलपिंग, इसका जो डेवलपमेंट है बहुत स्लो है, और इस हिसाब से हमें मतलब ऑर्गेनाइज होने में कम से कम एक साल लगेगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि देश काफी साल पीछे चला गया है नोटबंदी से, आपको लगता है इस तरह से? जी काफ़ी साल नहीं, लेकिन 5 साल पीछे तो चला गया। और हम लोगों को इसको रीऑर्गेनाइज करने में, रीस्ट्रक्चर करने में अब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब सरकार का एग्जीक्यूशन पॉइंट अगर स्ट्रॉन्ग हो तो हम जो हमारी रिकवरी 2 साल की है, हम छः महीने में कर सकते हैं, लेकिन सरकार का एग्जीक्यूशन पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। चलिए, जो आगरा के सांसद हैं और जो आगरा की जनता है वो नोटबंदी के फैसले को बिल्कुल सही बताते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो एग्जीक्यूशन है वो सही तरीके से नहीं हुआ। जो नोटबंदी के बाद परेशानी हुई, उन परेशानियों के लिए सरकार ने बिल्कुल सोचा नहीं था, जिस वजह से लोगों को परेशानी हुई। सांसद की पाठशाला में लोगों की मिली जुली राय सुनने को मिली। कुछ लोग दिक्कत में थे, लेकिन सांसद ने उन्हें एक बार फिर से अलग से समझाने की कोशिश की। सांसद ने बताया कि कहीं कहीं कमियां हैं, लेकिन हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। कोई भी डेवलप कंट्री देख लीजिएगा, बड़ा देश, हाँ यही पद्धतियां जो अब मोदी जी कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, किसी भी व्यवस्था के लिए कभी कोई तैयार नहीं होता, ठीक लगा है, पर धीरे धीरे चलते रहे। हम खुद ही अपनी गाड़ी गलत तरीके से फंसाएंगे तो ट्रैफिक खुद जिम्मेदार है। व्यवस्था के लिए तो खुद ही जिम्मेदार है, व्यवस्था बनाने के लिए और बिगाड़ने के लिए। पैसे दर दर नहीं होते, और सब चाय उसी की खरीदते हैं, पेटीएम से पैसे लेता है, कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने चेंज किया है, लेकिन उसकी परसेंटेज कम है, उसमें नहीं लाएगा। जब वो हम कहेंगे हमारे पास कैश है ही नहीं है, सामान लेना है, पेटीएम बेचना है, कार्ड से मशीन सामने रखेगा, नहीं तो व्यवस्था वैसी की वैसी। लोग दिखा रहे, अब मोबाइल आया था थोड़ा सा था, आज कितना हो गया? अरे सब मशीन दुकान पे 2000 नोट वाले 10 ग्राहक लौट गए, तो दूसरे दिन मशीन ले आएगा। दिन भर आगरा की नब्ज टटोलने के बाद सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ हम घर वापस लौटे। दिन भर जनता के कई सवाल सांसद के लिए सिरदर्द बने थे। कई लोगों ने ऐसे सवाल सांसद से किए जिनके जवाब देते देते कई बार सांसद को गुस्सा तक आ गया। सांसद का दिन भर का रिपोर्ट कार्ड इंडिया 24/7 रिपोर्टर अनुराग चड्ढा ने सांसद से ही लिया। जिस तरीके से हम आपके क्षेत्र में लगातार आपके साथ चल रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग चाहते क्या हैं, तो आपने सुना क्वेश्चन कि तो 2000 रुपए के नोट के खुले नहीं मिल रहे हैं, इसके अलावा लिमिट बढ़ाई जाए, तो इस पर सरकार का ध्यान किस तरीके से है? देखिए, 2000 के सवाल का जो सवाल है और 24000 का सवाल है, इन दोनों का समाधान एक ही है कि हम लोग धीरे धीरे
कैश लेस की तरफ कैसे बढ़े, हम अपने कार्डों का यूज कैसे करें, और जब ये हो जाएगा तो न तो बैंक की प्रॉब्लम सामने आएगी, न एटीएम की प्रॉब्लम आएगी, न 2000 नोट की प्रॉब्लम आएगी, और न 24000 की प्रॉब्लम आएगी। ये हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, और इस दिशा में सरकार ने कई उसमें योजनाएं लॉन्च की हैं जिसके माध्यम से छूट भी दी है, और उसको धीरे धीरे हम लोग कोशिश में है कि पब्लिक जागरूक हो और उसको अपनाए। देश की जो मंडियां हैं, किसान हैं, वो अभी तक उतना डिजिटल नहीं हुआ है जितना आप लोग एकदम थोपने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं थोप नहीं रहा हूं, सरकार थोप नहीं रही है। मैं कहता हूं कि कंप्यूटर और मोबाइल जब हिंदुस्तान में आया था तब लोगों ने कहा था ये कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन आज तो कौन सा 3G वाला 4G वाला, और बिना पढ़े लिखे लोग, गाँव में लोग, हमारी माताएं बहनें सब चलाने लगी। अरे, किसी अच्छी बात को स्वीकार करने के लिए शुरुआती कठिनाई को सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये देश के लिए और अपने लिए जब अच्छा हो तो उसे करते हैं। सांसद जी, एक आखिरी सवाल, जहां नोटबंदी के इशू को आप पॉजिटिव सोचकर चल रहे हो और आपको लगता है कि इससे बहुत बड़ी क्रांति देश में आएगी, वहीं जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर विपक्ष को लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा मोदी सरकार के खिलाफ लग गया है और इस पर वो पूरी तरह से राजनीति करने में लगे, आपको क्या लगता है कि नोटबंदी आपको सियासी फायदा देगा या नुकसान देगा? देखिए, नोटबंदी या नोट बदली, इसके बाद विपक्ष खत्म हो गया है, विपक्ष बौखला गया है, विपक्ष तिलमिला गया है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष के लिए कैंडिडेट नहीं ढूंढने मिल रहे उनको, विपक्ष का सुपड़ा साफ, किसी की कोई स्थिति नहीं हो, और यदि विपक्ष में कोई मुद्दा होता, विपक्ष में कोई हिम्मत होती, विपक्ष को जनता कहीं भी समर्थन करती तो अब तक विपक्ष सड़क पर होता। ममता जैसी भी 2 दिन के बाद घर बैठ गई क्योंकि किसी भी जनता ने इस मुद्दे पर उनका साथ नहीं दिया। आज विपक्ष खत्म, भाजपा के साथ पूरा देश खड़ा है। जी, तो चलिए, नोटबंदी के मुद्दे को लेकर बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं वो बिल्कुल बचाव की मुद्रा में नहीं है। नोटबंदी के फायदे लगातार वो अपने क्षेत्र की जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बाकी नहीं बचा है क्योंकि अब जो देश में क्रांति आने वाली है उसको पूरा देश देखेगा। आगरा से कैमरामैन राकेश चौहान के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया।